नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं बी एस उपाध्याय विजुअल फेड कंप्यूटर टीचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंट्स में एक नई टॉपिक लेके आए हैं। अभी जो टॉपिक्स हमारे पढ़ाए गए थे, ये अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक्स आपको बताया जाना है कि अकाउंट मेंटेन करते समय या किसी फर्म का अकाउंट तैयार करते समय किस किस रूल्स को आपको ध्यान देना है। सबसे पहले रूल्स मैंने आपको कॉमर्स के बारे में बताया गया था, कॉमर्स क्या सेक्शन है। फिर इनके बाद आपको बताया गया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में हमें किस किस चीज़ों को प्राइमरी ध्यान देना है। सबसे पहले बताया गया था फाइनेंशियल के बारे में, दूसरा बताया गया था आपको कॉस्ट के बारे में, और तीसरा इनकम टैक्स के बारे में समझाया गया था। चौथा आज हम पढ़ेंगे यही मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जो प्रबंध, जो सिस्टम, जो प्रारूप तैयार किया जाता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में, उस मैनेजमेंट को हम बोलते हैं प्रबंधकीय लेखांकन। एक छोटा सा डिफिनेशन आपके सामने है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑल्सो इज नाउ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स टू द मैनेजर इन डिसीजन मार्केटिंग एंड मेकिंग द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यानी किसी बिजनेस को चलाने के लिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जो प्रारूप तैयार करते हैं कि मुझे कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, कैसे हमें अपने कॉस्टिंग का तैयार करना है, कैसे हम अपने इनकम टैक्स के बारे में तैयारी करेंगे, यानी सारे रूपों को मैनेज करने के लिए, एक सिस्टमेटिक ढंग से तैयार करने के लिए, समय समय पे रिसोर्स पेमेंट करने के लिए, समय समय पे किसी भी फर्म का पेमेंट करने के लिए, समय समय पे टैक्स रिटर्न करना, इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये 4 कॉन्सेप्ट आपके होते हैं इन फाइनेंशियल, कॉस्ट, इनकम टैक्स और मैनेजमेंट, जो हम बीकॉम के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर इन तीनों रूल्स को पढ़ते हैं तब हम जानते हैं कि किसी भी फर्म या किसी भी कंपनी का, होलसेलर का, रिटेलर का या मैन्युफैक्चरिंग का अकाउंटिंग कैसे मेंटेन की जाती है। तो आज इतना काफ़ी है, आज हम सीखें मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगली टॉपिक में हम ध्यान देंगे कि अकाउंट्स को हम इस रूल्स के बाद हमें अकाउंटिंग का क्या निर्णय, मतलब अकाउंटिंग करते समय किस रूल को फॉलो किया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आज का वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों एवं दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।